पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता ने आपके लिए शेर अर्ज किया है। गम इस बात का नहीं कि ये बेवफा हो गया, अफसोस इस बात का है क्या था क्या हो। मैं बेवफा नहीं हूं बल्कि बावफा हूं। वो बेवफा है, वो धोखा दे रहे हैं अपनी पार्टी को, सबको जान के भी लीडर को कहते नहीं कहते हैं, हिम्मत नहीं है कि तुम गलत कर रहे हो। उनको आजाद साहब आपसे इस बात की शिकायत नहीं है कि आप कांग्रेस से लोग हो गए। उनका कहना यह है कि तुम राहुल को न चाहो तो कोई बात नहीं, मोदी को चाहोगे तो मुश्किल होगी। सवाल हिंदुस्तान की राजनीति का है कि कौन सा कैप्टन इसको डुबाने की कोशिश कर रहा है और कौन सा कैप्टन इसको किनारे पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आप कह रहे हैं कि राहुल जी शिप को डुबा रहे हैं, इस वक्त वही हो रहा है। अब कैप्टन बनने के लिए अगर मोदी साहब 24/7 काम करते हैं तो उनको 24 मिनट्स भी तो काम करना पड़ेगा। ये सही है कि 2008 में आप अपने फादर के पास गए थे और कहा था कि पापा अपनी राज्यसभा की सीट मुझे दिलवा दो। तो ज्यादा ही रिसर्च करके आए आप। ये मैं कबूल करूंगा इस अदालत में कि दिल में थोड़ी इच्छा तो होती है, जब पापा का टर्म खत्म हुआ तो जरूर मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करी, ही गाइडेड मी कि देखो अगर मेरी सीट पे तुम बैठोगे तो जिंदगी भर तुम्हें ये लगा रहेगा कि क्योंकि मैं राजनीति में था इसलिए तुम्हें एक पद मिले। अपनी क्षमता पे, अपनी मेहनत पे कभी ना कभी अवसर आएगा, आया तो आया, नहीं आया तो तुम राजनीति में कोई पद के लिए नहीं आए हो। तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि मुझे उस समय नहीं मिला, उस समय मिलता तो शायद आज इतने कॉन्फिडेंस से इस अदालत में आपका सवाल फेस करने के लिए मुझे तकलीफ होती। आपको राहुल गांधी से प्रॉब्लम है? मेरा क्या प्रॉब्लम है, उनके मोदी जी से प्रॉब्लम है। अब देखिए प्रियंका जी के बारे में तो आप कुछ नहीं कहते, जरूरत नहीं होता है। और उन्होंने कहा कि हम सब लोगों को राहुल गांधी से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए, कौन सा चीज सीखना चाहिए, क्या दिमाग खराब करने वाला बात बोलते हो। एक एक बात दिखाइए जो बात सीखना चाहिए। क्या वो गोल्ड मेडलिस्ट है कोई डिबेटिंग कंपटीशन में, क्या बात सीखे, उन व्यक्ति में क्या है। देश का मजाक उड़ाए लंदन जाके वो सीखे, मोदी जी को जाके पार्लियामेंट में सुमा खाने का कोशिश करता है वो सीखना चाहिए। केजरीवाल जी बारे में कह दिया आसाम में आए तो जेल में डाल दूंगा। मैं वो नहीं बोला कि मेरा बारे में आप असेंबली में आके जो बोला है वो आसाम में बोलो, मैं केस डालूंगा, मैं जेल का बार नहीं बोला। उन्होंने कहा, मैंने हिमंता जी से कहा कि आप दिल्ली आइए, मेरे घर आइए, मैं तो इंतजार कर रहा हूं, मैं अपनी कार में आपको सब जगह घुमाऊंगा। नहीं नहीं, कार में नहीं, वो पहला बार बोला है घर में खाना खिलाऊंगा फिर कार में बैठाऊंगा। तो आई एम वेटिंग बिकॉज आई वॉन्ट टू सी हिज बिग मैंशन फास्ट। मैं एक बार खाना भी खाऊंगा और फिर गाड़ी में उनका साथ दिल्ली का जोगी जोपी भी देखने जाऊंगा। दम नहीं है ये सबका, आपको बुलाने का दम नहीं है या वैसे ही दम नहीं है? कहां दम है, मैं इसको बुलाने से तो मैं तो साथ में मेरा फोटोग्राफर भी जाएगा, घर का तो फोटो भी खींच लेगा, कहां दम है।